हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ब्लॉग साई कीर्ति ब्लॉग। आप सबका मेरे ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। आई होप कि आप सब स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, हंसपुष्ट होंगे, खुश खुशहाल होंगे और ठंडी का मज़ा लेते होंगे मेरी तरह। आज बहुत ठंडा हवा चल रहा, कल रात से बहुत ठंडा हवा है और अभी फॉग भी है, हल्का फॉग दिख रहा है। सुबह जब उठे थे, बेटा को स्कूल जा रहा था तो हम बालकनी में आए थे, बहुत फॉग था। अभी थोड़ा छट्टा है, धूप तो वैसे के वैसे ही हल्के सा है। धूप में कुछ चेंजिंग नहीं आया है क्योंकि सुन रहे हैं चेन्नई में साइक्लोन आ रहा है तो उसका असर भी यहाँ पड़ेगा शायद इस वजह से। और मौसम एकदम ठंडा हो गया, इतना ठंडा हवा चल रहा है। हम शॉल पहनते, शॉल आगे हॉल रूम में रखा है, तो ब्लॉग स्टार्ट करना था तो हम इधर आ गए आप लोग को दिखाने के लिए आज का ब्लॉग। सुबह से छींक रहे हैं और खांसी उठ रहा है। गर्म पानी पी लिया, अभी जा रहे हैं चाय पीने। देखिए मेरा चेहरा कैसा सूज जाता है, एक दिन दो दिन दही खाने से मेरा चेहरे का स्वेलिंग बढ़ जाता है, उतरते उतरते उतरेगा। चलिए आपको वहाँ का बाहर का नज़ारा दिखाते हैं, देखिए कैसा लग रहा है, देखिए और बताइए। ठंडी ठंडी पवन चल रही है, दूर का पेड़ बहुत ज़ोर ज़ोर से हिल रहा है, सामने का उतना नहीं हिल रहा है, दूर का बहुत ज़ोर से हिल रहा है। और फॉग तो है, आप लोग की तरफ जितना गाढ़ा फॉग नहीं है वो होगा, धीरे धीरे बढ़ेगा। अभी तो कल से थोड़ा लग रहा है हमारे यहाँ फॉग आता है, ऐसा नहीं है पूरा ब्लैकआउट हो जाए। सामने का ये जो सामने का बिल्डिंग दिख रहा है ना, वो भी नहीं दिखता है, इतना फॉग हो जाता है। अभी हल्का फुल्का फॉग है। चलिए इससे पहले कि चाय ठंडा हो जाए चाय पीते हैं। गर्म पानी पी लिया है, खांसी उठ रहा है, फिर भी चाय से ही राहत मिलेगा। आज मेरे सारे प्लांट्स में पानी डालने हैं, मुरझा रहे हैं। चलिए चाय पीते हैं। चाय वहाँ निकाल के रखे हैं, हम जिस ग्लास में हम पानी पिए थे उसी में चाय ले लिए, और मेरे हस्बैंड के लिए कप में ले लिए हैं, वो फ्रेश होने गए तो ढाँक दिए हैं। चलिए हम चाय एंजॉय करते हैं, फिर क्या बनाना है वो देखते हैं। देखिए मेरा शॉल यहाँ पड़ा है, शॉल ओढ़ के बैठे थे। चलिए हम चाय पीते हैं। देखिए पत्ता गोभी की सब्जी रेडी है। कल जो आलू टमाटर बनाए थे ना, वही आलू इसमें डाल दिया मसाला के साथ, हल्का सा मसाला और डाल के थोड़ा सा, कोई थोड़ी सी थी सब्जी तो डाल के बना दिए तो अच्छा लग रहा है। और वही गया है, पत्ता गोभी तो तुरंत पक जाता है अभी के सीज़न में। और ये सलाद में प्याज टमाटर, देसी टमाटर है, देसी टमाटर, प्याज, मूली, गाजर काट के अभी रेडी करेंगे। अभी आधा रेडी कर दिए हैं तो तुरंत करेंगे। इधर में मेरा आटा तैयार है, फूलने रख दिए हैं, बाद में तेल डाल के चिकनाएंगे। चलिए ये सलाद ले जाते हैं, सलाद को बैठ के काटेंगे। फिर और एक काम है जो कल बताए थे कि करना बाकी है, दिखाते हैं आपको। ये जो है ना हल्दी, अम्बा हल्दी और ये येलो हल्दी, इसको कल पूरा दिन पानी में सोख करके रखे थे जिससे इसका गर्माहट निकल जाता है, गर्म नहीं करेगा ज़्यादा। अब इसको छील के बारीक बारीक काट देंगे लंबा लंबा में, और फिर इसको नींबू और नमक डाल के कांच की बर्नी में रख देंगे और फ्रिज में रख दें। फ्रिज में रखना चाहिए क्योंकि ख़राब ना हो, क्योंकि धूप दिखाने से तो जल्दी पक जाएगा, नहीं फ्रिज में रखेंगे तो धीरे धीरे ये रहेगा और सप्ताह भर चलेगा, ख़राब नहीं होगा। चलिए इसको हम छीलें। यहाँ मेरा जो सब पत्ता गोभी आधा रखा वो बाद में फ्रिज में रख देंगे, पहले सलाद काट लेते हैं, उसके बाद इसको छील के फिर तुरंत नींबू नमक डाल के रख देंगे बर्नी में। चलिए हम दूसरी बार चाय पी रहे हैं, वो भी ग्लास में, ठंडा नहीं हुआ है कप में, जल्दी मेरा ठंडा हो जाता है। चलिए हम पीते हैं, फिर आगे ये नहाने गए हैं, नहा के निकलेंगे तो फिर रोटी बना के इनको नाश्ता देंगे, टिफ़िन देंगे, उसके बाद फिर हम अपना काम आगे का करेंगे।
चलिए मिलते हैं। चलिए, मेरे हस्बैंड जी तो गए ऑफिस नाश्ता पानी करके टिफ़िन लेके। अभी सोफ़ा ठीक कर दिए हैं, ये अभी मेरा इसलिए बाहर रखते हैं क्योंकि मेरे को सेकना पड़ता है, बट आज ठीक है, कोई नहीं, फिर भी रखते हैं बाहर। और मेरा भी ये मिर्ची तो रखना अंदर बाद में, ये सब्जी तो मेरा रख इतना रखा हुआ है, ये सलाद ढाँक देते हैं, बेटा के लिए दाल चावल बाद में बनाएंगे। मिर्ची का पेस्ट आज पीस देंगे क्योंकि पूरी तरह मिर्ची सूख गया है, पूरी तरह सूख गया है। ये जो हमने अचार बनाया है इसमें नींबू नमक डाल के थोड़ा देर ऐसे रख दिए हैं, बाद में इसमें इसको बर्नी में भरेंगे। और यहाँ सब कुछ हो गया है मेरा, अब ये रूम का बिस्तर ठीक करना है, और ये रूम का ठीक किया लेकिन व्यवस्थित नहीं किया, इसको ठीक करना है। बाहर बहुत ठंडा हवा चल रहा है, चेन्नई में साइक्लोन आया तो शायद उसका भी असर यहाँ हो। वैसे आज थोड़ा कल से बेटर है, धूप कड़क नहीं बोलेंगे बट है, हवा भी है बहुत ठंडा ठंडा। मेरे को ये सब प्लांट्स में भी पानी डालना है, लेकिन अभी हम जा रहे हैं नहाने, नहाने के बाद फिर पूजा करने में मेरे को आधा घंटा लगता है, प्लांट्स में भी पानी डालेंगे उसके बाद, फिर नहा के खा पी लेंगे उसके बाद। चलिए चलिए मिलते हैं नहाने के बाद, पूजा पाठ करने के बाद। कोई आया है, देखे कौन आया है, मिलते हैं बाद में। चलिए हम नहा के आ गए, पूजा कर लिए, आधा घंटा लगता है पूजा करने में। आपको बोलना भूल गए थे उस समय जब बेल बजा था ना, उस समय मेरे हस्बैंड वापस आ गए थे ऑफिस से, क्योंकि ऑफिस गए ही नहीं, आधे रास्ते से ही आ गए, आधे रास्ते से भी नहीं, नीचे ही उतरे थे, सॉरी नीचे ही उतरे थे। तब तक हमारे जो बिल्डिंग के प्रेसिडेंट अंकल हैं उनका फ़ोन आ गया, 13वें माले में मेरी एक फ्रेंड रहती है, उनकी भुआ सास ऑफ हो गई, तो कोई है नहीं यहाँ पे उसका फैमिली, तो बिल्डिंग के सभी लोगों ने वहाँ जाना, बिल्डिंग के सभी लोग उनके साथ उसमें शामिल होंगे क्योंकि अकेले हैं, हस्बैंड वाइफ हैं और एक बेटी है, तो वो बैंक में जॉब करती है मेरी फ्रेंड, और उनके हस्बैंड का दिल्ली में है, कहाँ दिल्ली नहीं उत्तराखंड के हैं वो लोग, शायद वहीं बिजनेस है पार्टनरशिप में, बट वो लोग वो ये घर से ऑनलाइन काम करते हैं, घर से ही पूरा संभालते हैं। और अचानक ये ऑफ आए वापस, बोले कि ऐसा ऐसा हो गया, तो अभी उन वो ऑफिस नहीं गए, अब वो डायरेक्ट ये सब इन लोग का हो जाए उसके बाद फिर जाएंगे। क्या पता आज काम का लोड उनको था, लेकिन कहीं जाना भी था, एक्स्ट्रा वर्क था, लेकिन अभी ये आ गया तो समाज में तो शामिल होना ज़रूरी है। भगवान वो आंटी की आत्मा को शांति दे, यही हम दुआ करेंगे। चलिए मेरा तो हो गया, अभी हम जा रहे हैं खाने, क्योंकि अभी 12 नहीं बजा है, लेकिन आज मेरे को बहुत जल्दी भूख लग गया क्योंकि नहा धो के पूजा पाठ हो गया मेरा, तो अब जा रहे हैं खाने, खा के फिर कपड़े वॉश होने, कपड़े सुखाएंगे, दिन कितना छोटा है, हवा चल रहा है तो उस हिसाब से सूख जाएगा, नहीं हवा चलता है तो अंदर ही सुखाना पड़ता मोटे मोटे कपड़े, बट कोई नहीं सूख जाएगा। चलिए हम खाने बैठते तो आपको दिखाते हैं। देखिए ये वाला इंस्टेंट हल्दी का अचार, मिक्स सलाद, पत्ता गोभी, आलू की सब्ज़ी, थोड़ा सा आलू बॉयल मसाला करके रखा हुआ था तो उसका हमने अपने लिए 3 पराठा बना लिया, हमने चलो आज पराठा खा लेते हैं, फिर वो ख़राब होकर फीकेगा, उससे अच्छा हमने बना लिया। चलिए हम खाते हैं फिर आपसे मिलते हैं, क्योंकि कपड़े भी वॉश हो जाएंगे, उसको भी सुखाना है स्पिन करके, और फिर देखते हैं दाल चावल का तैयारी करेंगे बेटा के लिए। आप कितने बजे आता है आज? आज शायद लेट आएगा, 3-4 बजे तक आएगा। अभी मेरे हस्बैंड से भी कॉल करके पूछेंगे ये क्या है, घर पे ही खाएंगे तो फिर उनके हिसाब से बनाएंगे। चलिए मिलते हैं खाना खाने के बाद। चलिए आज का ये काम भी कंप्लीट हुआ, कपड़ा सुखा दिया, हवा बहुत तेज़ चल रहा है रह रह के, तो कपड़ा सूख ही जाएगा बाहर, फिर भी ड्राई स्पिन कर दिया, हैवी ड्राई स्पिन कर दिया कि अच्छे से हवा चल रहा है तो सूख जाएगा।
अभी तक शायद लेके गए नहीं हैं वो आंटी को, क्योंकि मेरे हस्बैंड को भी कॉल किया था हमने, 150 ऊपर हो गया है, तो बोले अभी नीचे तैयारी चल रहा है ले जाने के लिए। फिर हमको नहीं लगता कि मेरे हस्बैंड आज ऑफिस जा पाएंगे। चले हम दाल चावल बनाएं, क्योंकि बेटा भी आता ही होगा, कितने बजे तक आएगा पता नहीं, 4:30-4 बजे तक आएगा। अभी जा रहे, उसको भी कॉल करते, स्कूल से छूटा है तो ट्यूशन जाएगा, वहाँ से फिर 4 बजे तक, 2 ट्यूशन करके फिर आएगा 4 बजे तक। तो फिर अभी हम उसको कॉल कर लेते हैं कि क्या है, कुछ खाया कि नहीं खाया। चलिए मिलते हैं, उसको कॉल करके आगे ये काम निपटा लें, फिर बर्तन धोना बाकी है मेरा, तो हाथों हाथ हो जाएगा तो मेरे काम हल्का हो जाएगा। और पहले बेटा को कॉल करते हैं, फिर मिलते हैं। हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक। शाम के 8:15 हो रहे हैं और मेरा आधा काम हो गया, सब्जी बन गया है और रोटी बनाने जा रहे हैं। मेरा फ़ोन मेरा बेटा दे गया था ट्यूशन, क्योंकि बताएंगे क्यों, अभी फ़िलहाल बताते हैं आगे क्या हुआ दोपहर के बाद। तो फिर हम इन लोग का वेट करते करते सो गए, क्योंकि बेटा भी स्कूल से लेट आया, मतलब 4:30 बजे आया ट्यूशन व्यूशन कम्प्लीट करके, एक और बाद में खाना खा के 5:45 बजे गया दूसरे ट्यूशन के लिए, ये सारे कपड़े फोल्ड करने हैं। उसके बाद फिर मेरे हस्बैंड, तो वो जो आंटी ऑफ हो गई थी, तो उनके घर में ज़्यादा कोई मेंबर नहीं है, क्योंकि यहाँ कोई नहीं रहता, सब उत्तराखंड में रहते हैं। तो बिल्डिंग के 4-5 लोग जो भी थे वो लोग शामिल हुए, मेरे हस्बैंड, मेरे सामने भैया रहते, बाजू में एक दादा रहते, वो फिर जो हमारे बिल्डिंग के प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और जो मेरी फ्रेंड है उसके ऑफिस के सब स्टाफ आ गए थे। तो ये लोग सब लेके गए 3 बजे करीब, 3:30 बजे तो लोग शमशान घाट लेके गए वो आंटी को। फिर वहाँ से आए थे ये 5 बजे आए, 5:15 में आए, फिर नहाए धोए और खाना खाए, क्योंकि सुबह का नाश्ता किए हुए थे, पानी तक नहीं पिए थे। और उसी बीच क्या हुआ ना, इनका ये नहाने गए तो सब कुछ पानी से वॉश करते हैं ना, तो इन्होंने मोबाइल को वॉश कर, मतलब पानी से पोंछ के वहीं रख दिया था, अंदर रैक होता है ना वहाँ रख दिया था। तो क्या हुआ कि पानी गया कि क्या हुआ पता नहीं, फ़ोन बंद चालू ही नहीं हो रहा। तो फिर मेरा फ़ोन मेरा बेटा लिया, मेरा बेटा का फ़ोन इन्होंने लिया, तो मेरा बेटा को तो ट्यूशन जाना था तो लेके गया फ़ोन, और मेरा बेटा का फ़ोन में अभी वो काम चला रहे हैं, अभी कल लेके जाएंगे फ़ोन, बनना तो ठीक है, नहीं तो फिर दूसरा लेना पड़ेगा, क्योंकि उसमें सारा उनका ऑफिस का, ऑफिस के लोगों का नंबर सब है, काम से रिलेटेड सब है। तो हमको कितना हंसी आ रहा है कि फ़ोन ठंडी में फ़ोन गया। चलिए कोई नहीं, अभी बेटा ट्यूशन से आया तो अभी हम फ़ोन लिए, फिर हम बोले मेरा ब्लॉग बनाना, हमको दे दो फ़ोन मेरा। तो अभी 1-2 दिन ऐसे ही रहेगा, शायद कलम नहीं बना पाएगा मेरा बेटा, फ़ोन लेके चला जाएगा मेरा तो स्कूल, क्योंकि उसमें उसका ट्यूशन का सारा आता है, तो उसने अपना सिम मेरे फ़ोन में डाल दिया और उसका ट्यूशन से रिलेटेड सारा मैसेज आता है इसमें, तो शायद वो अपना मेरा फ़ोन ले जाएगा, तो कल शायद हम ब्लॉग नहीं बना पाएंगे, क्योंकि मेरा बेटा का फ़ोन मेरे हस्बैंड ने अभी दिया है टेम्प्ररी। तो ये हाल है। चलिए कोई नहीं, मेरा सब्जी हो गया, देखिए हम क्या बना रहे हैं, आपको दिखाते हैं सब्जी में। बैगन आलू की सब्जी बन गई मेरी, आटा हम दिन में तैयार कर लिए थे तो फटाफट बनाएंगे, वो भूख लग गए हम अपने लिए बनाए, थोड़ा सा और गाढ़ा हो जाए फिर धनिया पत्ती काट के रोटी, जब तक हम इधर बनाते थे वो बड़ी कसकी भूख लगा है। सुबह आपको दिखाया था तीन ही पराठा खाया है, फिर शाम को अपने लिए चाय बनाए, फिर चाय के साथ थोड़ा सा बिस्किट खाया, भूख लग रहा था, कभी भूख नहीं बर्दाश्त होता पेट में, कभी बुरा लगता है। चलिए ये हो गया, हम फटाफट रोटी बनाए, क्योंकि आटा हमने फ्रिज में रख दिया था तैयार करके, ये धनिया धो के डाल देंगे। चलिए मिलते हैं रोटी बनाने के बाद। देखिए मेरा खाना रेडी हो गया, क्योंकि हमको बड़ी भूख लगा, ये लोग बाद में खाएंगे। मेरा 3 रोटी बनाए, देखिए 1-2-3 रोटी, सवेरे की थोड़ी सी सब्जी थी, अभी बैगन आलू की सब्जी बनाए, मेरा फेवरेट ऑनियन और ग्रीन चटनी। चलिए हम खाते हैं फिर इंजॉय करते हैं, आपको बताते हैं।
चलिए फ्रेंड्स, अब ये व्लॉग हम यहीं करते हैं। आई होप कि आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगेगा। जो भी मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं, कृपया मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स करें। चलिए कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर, स्वीट ड्रीम, सी यू अगेन।